Cárate el coco. Cócate. चैनल पार्टी पर स्वागत है आपका। और अभी टाइम हो रहा है 9:15 से पौने दस बजने वाले हैं, 5 मिनट है। और ये दादाजी है, अभी ये पड़ोसी दादाजी है मतलब, और ये डांसर है, बहुत डांस करते हैं। हम भी करते हैं, कुकू भी करता है, कुकू डांस गाने चले हैं, कुकू भी डांस कर रहा। लाइफ की यही लाइफ है, जियो, मस्ती करो, नाचो, पियो, खाओ, ऐश करो, स्ट्रगल करो, काम करो। तो कुकू भी बहुत डांसर है, कुकू तो गाना चलता है तो एकदम से डांस करने लग जाता है। कुकू डांस करो, डांस करो। कुकू का एक्शन देखो, स्टेप देखो, कुकू का कितना अच्छा स्टेप कर रहा है। ये बाबा, ये बाबा, ये बाबा, नहीं ऑन, कौन सा स्टेप करा, करके देखो। तो मिलते थोड़ी देर में, अभी ब्रेकफास्ट करके फिर। कुकू कैसे कर रही, कुकू चिड़िया कैसे कर रही, चिड़िया कैसे कर रही, कुकू चिड़िया कैसे कर रही, कैसे कैसे कर रही चिड़िया। तो ये चिड़िया सुबह भी ऐसे कर रही थी, अभी भी ऐसे कर रही है, क्योंकि शीशा ऐसा मिरर है। तो ये चिड़िया सोचती है कि कोई चिड़िया यहाँ पे बंद हो रखी है, इसलिए वो सोचती है कि यहाँ से उस चिड़िया को बाहर निकालूं। तो उन्हें यहाँ पे अपनी अपनी शक्ल दिखाई देती है, दूसरी चिड़िया दिखाई देती है, आपको दिख रहा होगा जैसे। तो इस कारण वो सोचती है कि कोई चिड़िया फंसी हुई है, तो निकालने की कोशिश करती है, उसको हेल्प करती है। मैंने कुकू को और मेरी ननन का लड़का आ रखा बड़ा वाला, तो उनको कुकू को तो मैंने नहलाया नहीं आज, थोड़ा वेदर ठंडा, फिर सडनली धूप हो गई थी तो उस समय मैंने उसको नहलाया नहीं था, बस उस कपड़े चेंज छात में बुला दिया था। और स्वयं को मैंने 3 बजे अराउंड नहलाया था, तो फिर मैंने उसको हीटर के आगे वगैरह करके, फिर मैंने दोनों को बोला कि तुम सो जाओ, फिर उनके साथ मैं भी उनको सुलाने के लिए, मेरे को भी नींद आ गई। और अभी मैं उठी हूँ 6:30 बजे, पता ही चला कि हो जाता है जब बॉडी टायर्ड हो जाती है, तो फिर ना खुद नींद आ जाती है, सुबह से लगे थे क्योंकि। और अभी 6:30 बजे उठी हूँ, तो अब चाय वगैरह पियेंगे। और आप ये आवाज़ सुन रहे होंगे घुर घुर की, तो अभी ये मट्ठा बना रही है, सास घी बना रही है, मक्खन बना रही है, तो उसका मट्ठा भी बन रहा है, मशीन लगा रखी है उन्होंने, उसमें जो भी उन्होंने कलेक्ट करा होगा दही, दही का दही करी हुई, और उसका घी बना रही है, मतलब दूध को गर्म करके मलाई निकालते हैं, फिर थोड़ा दही जमाते हैं, फिर उसको डाल देते हैं, मतलब वो यहाँ ऐसे ही करते हैं मोस्टली लोग, और कोई दही से, कोई मलाई से डायरेक्ट बना देता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उन्होंने अभी बनाया है। आज उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रखी है, और मेरी आँख लग गई थी, तो थोड़ा सा अभी आलस आ रहा है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे बैठी हूँ आराम कर रही। ये देखिए मक्खन, ये मशीन है जो मक्खन की जो होती है, इससे मक्खन को हमने ये इलेक्ट्रिक वाली है, इसमें स्विच में लगा दो तो 15-10 मिनट जितना भी रखो, उसके बाद ही मक्खन बन जाता है। हाँ हाँ, मैंने बता दिया था। तो मक्खन अलग अलग सिस्टम से बनाते लोग, कोई दही को मतलब मलाई इकट्ठा करके फिर थोड़ा दही डालता रहता है उसमें, दही की मलाई, या कोई मलाई मलाई का बनाता है।
तो हमने तो दही वाली बना रखी है, जो दही इकट्ठा करी है, मलाई इकट्ठा करी है, फिर जितना भी कलेक्ट जब लग गया कि ज़्यादा हो गए तो फिर उसको मशीन लगा के बाल्टी में रख के मशीन लगा दिया 10-15 मिनट, फिर ये तैयार हो चुका है मक्खन। ये देखिए मक्खन कौन सा है, कुकु मक्खन, ये मक्खन है। अब इसका हम इसको गला के बनाएंगे घी। क्या बनाएंगे कुकु? घी। और वो बाल्टी में बच जाएगा ना, मैं आप नहीं आ रहे हैं, हाथ सुना याद आ रहा है आपके। और ये बाल्टी में बच गया मट्ठा, ये खट्टा हो जाएगा, इसको एक राउंड और इसमें मशीन मारनी है तो ये मट्ठा बन जाएगा। बन गया? हाँ, तो ये मट्ठा बन चुका है, ये बाल्टी में फुल मट्ठा मक्खन, और मक्खन से बनेगा घी। तो बस आज मक्खन घी बन चुका है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ फ्रेंड, आजकल कोरोना वायरस का बहुत चल रहा है, मतलब हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी रखिए। और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, जैसे जैसे आप फेसबुक सब मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ, उसके बचाओ तो केयर कीजिए अपनी और अपने परिवार की। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।